और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर अब अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कई जगह शिकायत आती है कि शिक्षक पढ़ाने के लिए आते ही नहीं। कई जगह तो ये भी शिकायतें मिलती हैं कि शिक्षकों ने अपनी जगह किसी और को भाड़े पर पढ़ाने के लिए स्कूल भेज दिया। ऐसे तमाम मामलों के हल के लिए यूपी सरकार ने सभी शिक्षकों को एक टैबलेट थमा दिया और समय पर स्कूल पहुंचकर टैबलेट पर डिजिटल अटेंडेंस भरने को कहा, लेकिन शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। रणवीर सिंह की रिपोर्ट देखते हैं। अब देखिए खुल गया है ये टैबलेट। आजकल यूपी में टीचरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। योगी सरकार ने ये टैबलेट देकर सभी टीचरों को समय पर स्कूल पहुंचकर हाजिरी लगाने को कहा है। दरअसल यूपी सरकार चाहती है कि क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो समय से आएं और बिना गैप किए स्कूल आएं, और इसकी वजह से एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम की शुरुआत की गई। इसमें एक प्रेरणा ऐप लॉन्च किया गया, जिस ऐप में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से स्कूल को जियोटैग किया गया और टीचर को स्कूल कैंपस के अंदर से सरकार की तरफ से दिए गए एक टैबलेट पे जा करके ऐप खोलना होगा और उस ऐप से अपना अटेंडेंस लगाना होगा। इसमें टीचरों की नाराज़गी इस बात की है कि सरकार ने थोड़ी सी भी ढील नहीं दी है और इस वजह से वो इस ऐप का विरोध कर रहे हैं। ये उस समय काम ही नहीं करता है बीच में। प्रेरणा ऐप पर टीचर्स को अपनी हाजिरी के साथ साथ बच्चों की हाजिरी और स्कूल से जुड़ी अन्य जानकारियां भरनी पड़ती हैं। दो बजे से टीचर हाजिरी के अलावा बाकी सभी विकल्पों के लिए तैयार है। शाम की उपस्थित का समय हमको आज पता चला, से दबाव भी डाला जा रहा है कि हर बीओ जाके 5 विद्यालयों में चेक करें और उनको जबरदस्ती ऑनलाइन व्यवस्था कराएं। ये ठीक नहीं है, आप दबाव नहीं डाल सकते। एआरपीओ को कहा गया इसलिए। तो ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों का यही है कि भाई आपके पास इतना बड़ा महकमा है टीचर्स को जांच कराने के लिए, तो इस ऑनलाइन की जरूरत क्या है? इतना बड़ा महकमा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। आप समय चाहो आप हमारी आप जांच करा सकते हो, हम हैं कि नहीं, आप कार्रवाई करो। इस मामले में सरकार और टीचर दोनों का अपना अपना अलग पक्ष है। सरकार ये मानती है कि कई ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल या तो देर से आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। वहीं टीचर्स का दावा ये है कि कुछ ऐसे टीचरों की गलती की वजह से सारे टीचरों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है वो अव्यवहारिक है। क्योंकि एक मिनट की देरी पर भी अगर एब्सेंट लगा दिया जाए और हाफ CL या हाफ EL की व्यवस्था ना की जाए, तो सारे टीचर्स कहीं ना कहीं अपने प्रमोशन से और अपने स्कूल के अटेंडेंस में छुट्टियों की वजह से परेशान होंगे। हालांकि टीचर्स का दावा यह है कि अगर सरकार कुछ छूट के साथ इस ऐप को लॉन्च करे तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने जिस प्रेरणा ऐप से अटेंडेंस की शुरुआत की है, उसमें स्कूल शुरू होने के पहले 15 मिनट और बाद के 15 मिनट में ही अटेंडेंस लगाया जा सकता है। 15 मिनट का समय खत्म होते ही हाजिरी लगाने का विकल्प बंद होगा। स्कूल परिसर के अंदर से ही हाजिरी लगाई जा सकती है। लेट होने पर गैर हाजिर मानकर तनख्वाह कटेगी। कई बार लेट होने पर प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा। शिक्षक चाहते हैं हाफ CL और हाफ EL का विकल्प ऐप में दिया जाए, लेट होने पर स्पष्टीकरण देने का मौका मिले, हाजिरी के नियम से पहले टीचरों की पुरानी मांगे मानी जाए। वहीं सरकार फिलहाल टीचरों के दबाव के आगे झुकने को तैयार दिख नहीं रही। ये जो मेरे हाथ में आप किताब नुमा चीज देख रहे हैं, ये दरअसल एक टैबलेट है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय और 1 से 8वीं तक के कंपोजिट विद्यालयों के टीचर्स को दी है। और इस टैबलेट पे जा कर के टीचर्स को अटेंडेंस लगानी होती है। और ये प्रेरणा ऐप है, प्रेरणा ऐप खोलेंगे और टीचर्स को इस प्रेरणा ऐप पे जा कर के अटेंडेंस लगानी होगी। अब इसकी व्यवहारिक समस्या क्या है ये समझने के लिए मैं लखनऊ के मोहनलालगंज के एक प्राथमिक विद्यालय में हूँ, जहाँ पीयूष त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। पीयूष जी, आपके पास सरकार ने आपको ये टैबलेट दिया, इसका विरोध हो रहा है। मैं समझना सीधे सीधे ये चाह रहा हूँ कि एक मॉडर्न तकनीक के साथ टीचर्स को कुछ सुविधा सरकार दे रही है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिए गए जो शिक्षकों को जरूरत है। शिक्षक या कोई भी इम्प्लाई किसी भी डिपार्टमेंट का होगा तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी को अगर मिड टाइम में जाना है, उसके घर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई और फ़ोन आता है और उसको जाना है, तो उसको जाने के लिए उसको निकलना पड़ेगा बीच में, और वो क्या है कि वो काम ही नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं। मिड में हम कोई हाफ CL ले ही नहीं सकते, कोई शॉर्ट लीव ले ही नहीं सकते, उसमें हम एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर डे टाइम में निकले हैं और लौट के तो वापस आ नहीं पा रहे हैं, और हमें अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाना है, उनका
बीपी बढ़ गया है और जाना है, या हमारे बच्चे को चक्कर आया स्कूल से फ़ोन आया, ऐसा होता रहता है, या कभी हमारे बहुत ही नियर्स एंड डियर्स की डेथ हो गई और उसमें पहुंचना है, और वो कंडीशन ऐसी होती कि हम अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमको उस सामाजिकता को देखना पड़ता है। कभी फ़ोन आता है कि ट्रामा सेंटर में कोई है, मतलब मैं समझ गया कि व्यवहारिक दिक्कतें जो हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने विकल्प नहीं दिया है। फिलहाल सरकार और टीचरों के बीच में गतिरोध जारी है, न टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार है और न ही सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को। ऐसे में अब यूपी सरकार टीचरों को मनाने के लिए क्या व्यवस्था करेगी, क्या सख्ती की जाएगी या फिर कुछ ढील दी जाएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।